कैसे जाना है भैया? खुला अभी से सब लोग रोड के ऊपर से देख के जस्ट एंट्री करने का ये कर रहे थे। हमारे चार पैकेज चालू है। 1150 का एक पैकेज है जो ऑल है, जिसमें टोटल एक्टिविटीज़ है। इसमें हमारा जो पहले का बना हुआ एक पार्क है, दैट इज़ एडवेंचर पार्क, तो यहीं पे सबका पिकअप एंड ड्रॉप होता है। उसके लिए यहाँ से आपको वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पर टोटल एडवेंचर है। कार्ड सिस्टम है, मतलब ये जो कार्ड है आपका 6 मंथ तक के वैलिड रहता है। और बन रहा है पार्क, हाँ हो जाएगा 10-12 बीघा। 10-12 बीघा डेली गेस्ट आता था, हर दिन नया नया, तो उनसे बातें करने का, कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ उनके बारे में जानो, एंजॉय भी करा उससे। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी। तो फन एडवेंचर हो गया वो, मतलब स्केवेड आइलैंड एडवेंचर था ना, अब जलालपुर फन एडवेंचर हो गया है। पार्क यहाँ से 1/2 किलोमीटर। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा छोटा राइड रहा। ये ऊपर ऊपर वाला खत्म हो गया ना? हाँ ये तो खत्म, ऊपर कितना खत्म है, मतलब जो फाड़ने वाला था वो खत्म हो गया। हाँ इसके बाद आप लोग जैंटसिंग हाईरोप कर सकते हैं, रॉक क्लाइंब कर सकते हैं, जैंटसिंग और रॉकेट इजेक्टर, और इसके बाद बोटिंग लास्ट हो जाए। तो ये हमारे थे ट्रेनर जिनको वीडियोग्राफर बना दिया कुछ देर के लिए, और काफ़ी मज़ा आया साइकिलिंग क्लाइंबिंग करके। तो और नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। आज का राइड एडवेंचर ख़त्म हुआ, वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम, तब तक के लिए बाय। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ शूटिंग इन जलालपुर। तो अभी हम लोग आए हैं गो कार्टिंग करने। ये देखिए ये गो कार्टिंग का सीन, तो ये हमारा गो कार्टिंग, यहाँ से जाएंगे ये राउंड एंड राउंड। अच्छा एक्सीडेंट वगैरह अभी हुआ है क्या? एक्सीडेंट हुआ तो आपका भी अच्छी जिम्मेवारी रहेगा यहाँ। नहीं नहीं हुआ है क्या? हाँ थोड़ा बहुत वैसे किसी होता ना कि हाँ। इधर ब्रेक मारते समय इधर एक थोड़ा सा हाथ छूट गया।
वॉज वर्थ राइड, बड़ा मज़ा आया। तो अभी हम लोग बोट राइड कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं, कैमरा तो उतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा लेकिन बढ़िया है। लोकेशन हुआ आपका जलाल, जेपी सेतु जो है जैसे ही खत्म होता है उसी के राइट साइड, अगर आप पटना से आएंगे तो जेपी सेतु खत्म होता है उसी के राइट साइड में, ठीक है, ये जलालपुर फर पार्क उसी के अंदर में है अपना रेस्टोरेंट जलालपुर शंघाई एक्सप्रेस, जहां अभी फिलहाल हम लोग स्पेशल मोमोज, चाइनीज मॉकटेल्स, बेवरेजेस, शेक्स जितना भी कुछ है अभी अवेलेबल है। लेटर ऑन वी विल ऐड मोर मेन्यू, मोर डिशेज, मेन कोर्स ऑल्सो वी विल ऐड, एंड वी विल प्रोवाइड बेस्ड ऑन योर चॉइस। If you are ready to go for a la carte, otherwise buffet also will be available next month. ये final ready कब तक हो जाएगा construction? I hope दशहरा से पहले तो start हो जाएगा, but restaurant will be constructed within 1 week, I think so. 1 week, okay. Thank you, Avinash ji.